अस्सलामुअलैकुम। एस एस साइंस अकेडमी में फिर से हम हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर। उस कल हमने आज ही हमने वीडियो अपलोड करे कि हरूफ की 12 आवाज़ों से पढ़ना लिखना सीखो। ये जो है हमने ये आज ही हमने ये अपलोड किए। ये 12 आवाज़ें अ आ ई ई उ ऊ। तब उसके बाद ये दिखना भी सिखाए और उसके बाद जो है 36 हरूफ की जो है 12 आवाज़ों की तख्ती भी जो है पूरी आपको बताए। ये यहाँ से ये हरूफ की आवाज़ों का पढ़ना और लिखना ये आज ही अपलोड किया। अब उसके बाद की जो वीडियो है ये है। अब ये हम नज़्म मुनाजात ले रहे हैं। ये मुनाजात नज्म में ये दो हरफी अल्फाज आए हुए हैं। ये वह जो है दो बार आया हुआ है, को 9 बार आया हुआ है, तू 8 बार आया हुआ है मुनाजात में। अगर आप पढ़ के निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये तू 8 बार आया हुआ है, ने 4 बार आया हुआ है, ही 2 बार आया हुआ है, 7 बार आया हुआ है, जो 2 बार आया हुआ है, मैं 3 बार आया हुआ है, दे 3 बार आया हुआ है, तो 1 बार आया हुआ है, से 3 बार आया हुआ है, पर 3 बार आया हुआ है, दी 2 बार आया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे ये मुनाजात नज्म और उसमें जो है ये वो, ये है, ये है, ये तो, ये ही, ये का, ये सब, ये या, ये सब, को, ये पर, हर, ये या, के, दे, को, है ना, दे, को, तेरा, ही, को, तू, तो, को, दम, तू, तो, को, से, तू, है ना, की, को, ये तू, ने, से, दी, है, ना, जो, वो, दी, है, को, जो, फिर, दे, वो, ये सब, पर, तो, पर, एक, की, कर। तो आपने यहाँ पे देखेंगे कि ये अल्फाज जो है इस नज्म में जो है आए हुए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाजी इतनी मतलब बहुत बारीकी से मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों को तालीम के नज़दीक, इस किताब के नज़दीक, ये किताब को लेकर वो बैठे, उसमें पढ़े, उनको समझ में आए कि ये जो है ये दो हरूफी अल्फाज और 3 हरफी अल्फाज, 4 हरफी अल्फाज, 5 हरफी अल्फाज ही जो है इस सबक में होते, नज़म में होते, और वो पढ़ने आए बाद हमको पढ़ने आता और सवाल के जवाब समझ में आते, कोई बोले तो अपने जुमले में इमला लिखने आता। तो ये हम बताने का मकसद यही था कि ये जो है ये मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे उर्दू पढ़ने लिखने में कमज़ोर है वो कोई भी क्लास में हो, जहाँ से उनको शऊर आया वो कोशिश करें और आगे बढ़ें। अब इसके बाद जो है हमने देखे कि मुनाजात नज़्म में एक ही लफ्ज़ कितने कितने बार आए हुए हैं, 2 बार, 9 बार, 8 बार, 4 बार, 2 बार, यानी एक ही लफ्ज़। तो वो जो है आपने अगर पढ़ लिए, समझ के पढ़ लिए, जैसा वो जो है वो, ये 2 बार आए हुआ है ना। उसके बाद को, काफ वाओ, को, ये 9 बार आए हुआ है। तो क्या मुश्किल है कि हमको पढ़ना नहीं आएगा। उसके बाद है तू, तू, ये तो बहुत बार आया हुआ है, और ये 12 आवाज़ों में त, ता, ती, ती, तू, तू में है। उसके बाद नून बड़ी, ये में, ये भी आया हुआ है। उसके बाद हे, ई, ही, ये भी आया हुआ है। आप देखो ये पूरे ह, हा, ही, ही, हु, हु, इसमें आया हुआ है। दाल बड़ी, ये दे, ये दाल बड़ी, ये दे, इसमें आया हुआ, तो ये भी आया हुआ है। ते वाओ, तो, ते वाओ, तो, है ना, तो, सीन बड़ी है, से, सीन बड़ी है, से, 3 बार आया, तेरे पर, तेरे पर। अब बोलिए कि हम पढ़ने से जो है घबराते क्यों हैं। वही है अल्फाज कि ये हम ये LKG में UKG में जो है ये पढ़े हुए हैं,
LKG में, UKG में दो हरफी अल्फाज पढ़े हुए हैं, तीन हरफी अल्फाज पढ़े हुए हैं LKG में। अब ये दो हरफी अल्फाज हम LKG और UKG और उसके बाद पहली से दूसरी में पढ़ते आए हुए हैं, पहली से दूसरी में पढ़ते आए हुए हैं। उसके बाद से जो है हमको रीडिंग करना है, उसके बाद से हमको रीडिंग करना आना है। तो जो LKG UKG में जो है बराबर आते, नारा नहीं करते, और अव्वल और दुआ में भी बराबर पाबंदी से आते, और जहीन है उनको आवाज़ें सुनकर बोलना भी आती है, फिर उसको याद रखे जो लिखे भी हैं उसको देख के पढ़ना भी आती है। तब यहाँ पे देखिए, ये आप हरूफ तहजी देखते हैं, हरूफ तहजी 36 हरूफ तहजी, और यही जो है हमारी कामयाबी के दरवाजे हैं। ये कामयाबी के जो है हमारे ये दरवाजे हैं, ये हमको कामयाबी की तरफ लेके जाते, ये हमको कामयाबी की तरफ ले जाते। ये हरूफ जो 36 हरूफ है ये कामयाबी के दरवाजे, अगर ये आपने याद कर लिए और उसका ज़बानी इमला, ख़ास तौर पे वालदैन के लिए फिर हम यह वीडियो बना रहे हैं, और वालदैन से गुजारिश है, वालदैन से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि अगर बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, उनको वो अलिफ बे पे पूरी याद नहीं है, तो यहाँ से शुरू करो आप, अलिफ से लेके ये तक उनका इमला लो, फिर उसके बाद तख्तियाँ लो, अलिफ की तख्ती लो, वाव की तख्ती लो, ये की तख्ती लो, बड़ी ये की तख्ती लो, फिर ऊपर खड़ी जेर की तख्ती, 12 आवाज़ों की तख्ती जो हमने अभी बताए हुए पिछले वीडियो में, उनकी तख्ती लो, और उसको ज़बानी लिखना है, ज़बानी लिखना उनको आना है। अब ये ज़बानी लिखना है तो क्या करेंगे वालदैन से, ख़ास तौर पे वालिद जो है दिन भर क्या करते हैं, मेहनत करने जाते हैं और शाम में आते खाना खाते और सो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है एक थोड़ा सा हम एक हमारी जिम्मेदारी समझिए कि ये जो छोटे बच्चे हैं उनको आपके वक्त की ज़रूरत होती है, और ये जो वक्त आप देंगे उनको, आपका अपना वक्त, यानी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों की तालीम के लिए वक्त अगर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर की जो है तरक्की ज़रूर ज़रूर होगी, तरक्की ज़रूर होगी। यानी वक्त अगर आप देंगे बच्चों को, अब वक्त कैसे देंगे कि आप आए, थोड़ा सा काम जल्दी ख़त्म कर लिए और ये जहन बना लिए कि हमको आधा घंटा अपने जो बच्चे हैं उनके लिए देना है, उसमें जो है उनका हरूफ का इमला लेने का है, ज़बानी वो लिख रहे या नहीं, ये इतना भी कर दिए ना तो ये बहुत आप, यानी ये हरूफों का इमला आपने रोज़ उनको बोले तो उनको ये याद हो जाता है। ये अलिफ बे, ये नाम है अलिफ बे पे ते टे से ये तक, ये पूरे उनको ज़बानी इमला ले लिए थे, तो ये इमला जो है जब उनको लिखने आ जाता है ये बच्चों को सुन के, तो ये बच्चों को मतलब कामयाबी के दरवाजे तक ले जाता, कामयाबी के दरवाजे तक ले जाता है। तो यहाँ पे जो है अब एक जो है काफ वाव को, काफ वाव को, अब यहाँ पे काफ की ये मुख्तसर सूरत है, मुख्तसर सूरतों का भी जो है इमला लेना चाहिए। अब यहाँ पे वाव, ये जब इमला ले लेंगे तो ये बच्चा बराबर उसको वाव याद रहेगा और ये काफ वाव को बराबर पढ़ेगा। अब उसके बाद दूसरा लफ्ज है ही, ही में दो हरूफों की आवाज़ आ रही है, ये इसको समझ में आ रहा, हरूफ और उनकी आवाज़ें, पहले जो है ये सब पढ़ा हुआ है, हर एक की आवाज़ें जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आ रहे हैं, आप वो आवाज़ों को बिल्कुल बच्चों को समझा। तो है ई ही, तो है की मुख्तसर सूरत ये है और ये ई, ये ई उसको ज़बानी इमला आ गया तो वो बराबर लिखता ही। अब उसके बाद दूसरा एक लफ्ज़ है सब, अब सब में कौन से हरूफ आ रहे, सीन, ये इसकी मुख्तसर सूरत, और उसके बाद बे की आवाज़ आ रही तो आखिर का हरूफ पूरा लिखते हैं सब, ये इस तरह से। तो ये चीज़ों को ख़ास तौर पे ख्याल रखो, और यही जो है यही हरूफ है जो यूनिवर्सिटी लेवल तक 7-7 हरफी अल्फाज, 5-5 हरफी अल्फाज, 6-6 हरफी अल्फाज बनाते हैं। जैसा जानिब,
जिम अलिफ जा निब नून जेर नी ये नी बे जानिब इस तरह से। तो ये चीज जो है आप लोग समझो। तो यहाँ पे हम आपको यही समझाने की कोशिश की है कि ये जो हरूफ है इनका इमला आप जरूर लेना। वालदैन में से हम वालिद को खास तौर पे बोल रहे कि जो है दिन में वालिदा उनके साथ होती है और वो उनसे नहीं सुनेंगे। अगर आप आके अगर बैठेंगे तो थोड़ा उनको क्या रहेगा, डर भी रहेगा और आप बैठने के बाद जो है वो इमला भी लिखेंगे। और जितना इमला लिखना आया ये हरूफों का इमला, ये लिखने के बाद बेअलिफ बा बेअलिफ पा ये इमला, ये अलिफ की तख्ती, फिर उसके बाद वाव की तख्ती बे वाव बो पे वाव पो, फिर ये ई की तख्ती बे ई बी पे ई पी, ये आखिर तक जो है गुलजार उर्दू किताब है वो किताब लेके आपने उसका इमला लिखाना है। तो पढ़ने भी आएगा लिखने भी आएगा। ये तो दो हरफी अल्फाज यहाँ पे आप बहुत सारे हैं, दो हरफी अल्फाज जैसा रे बे रब काफ बे कब ते बे तब दाल बे दब है न ते बे टब, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। तो आप ये जो है इसका जखीरा करते रहो और ये हुफ, ये हुफ जो है आपको बार बार कह रहे कि इन हुफ का उमला खास तौर पे वालिद साहब ने ज़रूर ज़रूर अपने बच्चों का लेना है। जैसा एक किसान अपने खेतों में बीज डालता है तो वैसी जो है आप बीज डाल रहे हैं अपने खेत में। ये आपकी होम कंपनी है, ये आपकी होम कंपनी है जो आपको बाद में जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट देने वाली है। तो आप इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त का जो है इन्वेस्ट की करो और इमला ज़रूर लो रोज़ बच्चों का, तमाम मराठी का उर्दू का हरूफों का इमला लो। जैसा भी यहाँ पे मुनाजात इस नज़्म में आने वाले दो हरफी अल्फाज यहाँ पे हमने निकाले हैं, वो दो हरफी अल्फाज जो है ये देखो, ये सब से है तू को पर ही का दे दी कर दम हम मुझ सर या हर कम तो की के जिस ने जो फिर एक टल दिल वो कम। ये मुनाजात इस नज़्म में आने वाले दो हरफी अल्फाज। फिर अब उसके बाद तीन हरफी अल्फाज हमने निकाले इसमें, इतनी देखिए यहाँ पे तीन हरफी अल्फाज रवा रवा रे वावली वा रवा। देखो ये तीन हरूफ इमला ले लेने के बाद ये बच्चों को बराबर बराबर लिखेगा। रवा जोर जे वावरे जोर जे वावरे जोर। देखो ये हरूफ, ये हरूफ लिखने का मकसद ही चेता, ये जे वावरे जोर खवी, तो ये ख ये मुख्तसर सूरत, ये वी खवी, ये तेरा इस तरह। मीम ये भाई बारह आवाजों की तख्ती लिखा है तो ये मीम ये में ये नून गुन्ना में ये इस तरह से। सभी ये सीन की मुख्तसर सूरत स ये भी भी सभी, ये हो ए वाव हो नून गुन्ना हो। बना ये बे नून अलिफ ना बना, ये जबानी आपको बच्चों को लिखाना है और इमला रोज लेना है। फजल देखिए फे की मुख्तसर सूरत, फे की आधा मुंडी द्वाद की मुंडी और ये पूरा ला। फजल करम काफ रे मीम करम, ये इस तरह से ये इमला आपने लेना है। तो ये तीन हरफी अल्फाज है, देखो आप यहाँ पे ये तीन हरफी अल्फाज को रवा जोर कवि तेरा में हुकुम हुकुम देखिए अब है काफ मीम, ये है की आधी मुंडी, ये काफ और ये पूरा मीम। हुकुम आम एन अलिफ आम मीम, अब आप बोल रहे हो कि ये बहुत तेजी से ले रहे बाजी, तो आप शुरुआत तो करो
रफ्तार खुद ब खुद अल्लाह ताला दे दी। कोशिश जब करते हैं तो कामयाबी देने वाला खुदा है और हम उसी से जो है मांगते हैं, उसी के मोहताज है। और रोज़ जो है आप दुआ करते रहना है कि हमको, और पहला अल्लाह ताला का हुक्म है अपने नबी को कि पढ़। तो जब अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया तो ये हमारे लिए भी हुक्म है और हमने भी पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कि ये मुनाजात में आखिरी नज़म में कि ये जो अजमत खो चुके हैं हम, तो अजमत क्या है कि हम तालीम हैं, हमारे पास कुरान जैसी किताब है जिसकी वजह से, जिसको पढ़ पढ़ के दुनिया ने आज तक तरक्की हासिल की। यानी कुरान जो है, कुरान जिसको पढ़ पढ़ कर ये दुनिया ने तरक्की हासिल की। कुरान इतना इल्म का खजाना है, इसमें तमाम मसाइल का हल है, तमाम मसाइल का हल है। तो आपने दीन और दुनिया तमाम मसाइल का हल है। तो ये जब हमारे पास इतनी अजीम शान किताब है और हम उसके वारिस है, तो हमने इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और बच्चों को अपना टाइम, यानी ख़ास तौर से वालिदा तो मेहनत करते हैं लेकिन दिन भर वो साथ रहते वालिदा, लेकिन वालिद अगर दिन भर नहीं नज़र आते और जब वालिद साथ में बैठते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी जो है पढ़ने की तरफ जाते हैं। तो ये हम वालिद से ज़्यादा गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा मतलब जल्दी से आके एक आधा घंटे का वक्त वो रोज़ दे। अगर आप बाहर भी जाते होंगे या हफ्ते में दे, दो दिन में दे, लेकिन आपका वक्त ज़रूरी है। और आपकी जो है जैसा खेतों में बीज डालने के बाद जिस तरह किसान मेहनत करता, पानी देता, खुरपी देता, मिट्टी बराबर करता, उसी तरह से आपने भी बच्चों की गलतियों को दुरुस्त करना है। अब उसके बाद यहाँ पे है मुनाजात, इस नज़्म में आए हुए चार हरफी अल्फाज देखिए, आ लम, बुजुर्ग, बरतर, हाजत, जहाँ, तेरा, गरीब, ढारस, कोई, नहीं, करीम, बंदे, जर्रे, रवा तीन हरफी आ गया, नकबत, रवा, दुनिया, आला, अदना, चाहे, इज्जत, जिल्लत, कश्ती, जनाब, अर्जल, अफजल, कुदरत, मुर्दे, दिलों, अजमत, निकाल, बारी। फिर उसके बाद देखिए, और हमने इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की है कि यहाँ पे इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो एक दूसरे के जिद है, एक दूसरे के जिद है, जिद लफ्ज, जैसा बरतर कमतर, आला अदना, इज्जत जिल्लत, अर्जल अफजल, कमजोर तवाना, मुर्दे जिंदे, मायूसी ढारस, नकबत अजमत, कमजोर खवी, गरीब अमीर, ये जिद लफ्ज है। तो इस तरह से ये भी अगर इम्तिहान में आ गए और ये भी जो है आपने इमला उनको लिखा दिए तो एक नंबर तो मिलता। यानी खतरे खतरे से दरिया भरता है, ये एक महावेरा है और ये जो है एक मतलब बहुत ज्यादा इसको ऑब्जर्वेशन करके, उसको मुशाहिदा करके लिखा हुआ है। महावेरे यूं ही तैयार नहीं होते, ये तो आपको मालूम है। ये महावेरे जो है बहुत सारे लोगों को देखकर और उनकी कोशिशों को देखकर फिर जो है ये महावेरे तैयार होते हैं कि खतरे खतरे से दरिया भरता है। तो आपके बच्चे जो है ज़रूर यूनिवर्सिटी लेवल तक, ये खतरे खतरे से दरिया भरता है, ये खतरे खतरे से दरिया भरता है। तो ये बच्चे जो है आपके ज़रूर जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएंगे। और अल्लाह जो है से गुजारिश, अल्लाह से दुआ है कि वो आपकी और हमारी कोशिशों को कामयाब करे। और आप जो है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, यानी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ये सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।